हाउ टू फिक्स सैमसंग A3 डुओस कैमरा एरर प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपके डिवाइस पे कैमरा जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, या फिर कैमरा पे किसी तरह का एरर आपको देखने को मिल रहा है जिसके वजह से आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक नहीं पा रहा है, या फिर आप कैमरा जो है यहाँ पर ओपन नहीं कर पा रहे, या फिर किसी भी तरह का एरर हो सकते हैं कैमरा के रिलेटेड, आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो पर जो भी आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा आपको वही फॉलो करना है, एंड देन दोस्तों चेक करके देखिए, आपका कैमरा काम भी कर जाएगा, कैमरा एरर भी नहीं होगा और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर कैमरा पे कोई भी एरर आ जाते हैं, एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करें, कैमरा ऐप को भी रिस्टार्ट करें, ठीक है। मोबाइल रिस्टार्ट करने का तरीका आपको पता होगा, पावर बटन पे क्लिक करना है, रिस्टार्ट ऑप्शन आपको दिख जाएगा। कैमरा रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 3 लाइंस पर क्लिक करना है और कैमरा ऑप्शन को सर्च करना है रिसेंट ऐप्स पर। यहाँ पे है कैमरा ऑप्शन, तो आपको जो है कैमरा को क्लोज करना है कुछ इस प्रकार से, स्लाइड करके डिलीट कर देना है, ठीक है, बैकग्राउंड से। उसके बाद कैमरा को ओपन करके देखे, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आते हैं तो नेक्स्ट सॉल्यूशन आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट पर दोस्तों आपको सेटिंग ओपन करना होगा, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ऐप्स पर जाना है। ऐप्स पर जाके आप स्क्रॉल डाउन करें एंड आपको मिलेगा यहाँ पे कैमरा, तो कैमरा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और कैमरा पर जाके आपको स्टोरेज सेलेक्ट कर लेना है। स्टोरेज पर जाके क्लियर डेटा एक बार करना है और उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद आपको जाना है दोस्तों परमिशन पर, तो परमिशन पर जाके सारे परमिशंस आप अलाउ कर दीजिए, ठीक है। सारे परमिशंस अलाउ करने के बाद दोस्तों आप मोबाइल को रिस्टार्ट करें एंड देन चेक करके देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम अभी दोस्तों आपका फिक्स हो जाता है तो ठीक है, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आते हैं तो एक बार सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दीजिए, जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होगा आपका सारे इश्यू जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो कैमरा एरर यहाँ पर आ रहा है फिक्स्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशंस के मदद से दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।